हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं हूं अश्विन और स्वागत है आप सबका हिंदी चेस वीडियोस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टू टॉपिक की बात करेंगे। एंड गेम के जो दो टॉपिक है, एक है आउटसाइड पास पोन और दूसरा है पोन क्रिपलिंग, ठीक है ना। दोनों दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, और ये आपको काफ़ी कुछ जो बेनिफिट देंगे इवन इन द मिडिल गेम में भी, ठीक है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि आउटसाइड पास पोन क्या है, ठीक है ना। दोस्तों नॉर्मली क्या होता है कि मिडिल गेम में अगर आपके सेंटर में पोन अच्छे हैं, ओपनिंग और मिडिल गेम में सेंटर में पोन ज़्यादा है कम्पेयर टू आपके ओपोनेंट, ठीक है ना, तो वो आपको मिडिल गेम और ओपनिंग में एडवांटेज देता है। बट जो एंड गेम होती है उसमें आउटसाइड पास पोन का कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि आउटसाइड पास पोन जो है आपको टाइम गेन करके देता है, आपको ज़्यादा टाइम देता है। फॉर एग्जाम्पल इस केस में आप देखिए तो दोनों के पास तीन तीन पोन है, लेकिन जो वाइट है उसके पास बी फाइल पर एक आउटसाइड पास पोन है। आउटसाइड पास पोन मतलब जो दूर होता है, मतलब ए या बी फाइल पे, या उसी तरह अगर किंग जो है वो क्वीन साइड पे है तो जी एन एच फाइल पे, ठीक है ना। बट यहाँ पे देखिए कि दोनों किंग जो है उसकी पोजीशन तकरीबन सेम है, बट बिकॉज ऑफ दिस आउटसाइड पास पोन, ठीक है ना, यहाँ पे जो वाइट है वो विन हो रहा है। किस तरह से वो हम अभी देखते हैं, ठीक है ना। सो आउटसाइड पास पोन, उससे पहले बात करते हैं पास पोन। पास पोन मतलब एक ऐसा पोन जिसको स्टॉप करने वाला कोई भी पोन ना हो। तो यहाँ पे देखिए बी फाइल पे एक पोन है वाइट का, जिसको उस फाइल पे कोई ऐसा पोन नहीं है जो स्टॉप कर पाए, और इवन ए या बी ए या सी फाइल पे भी ऐसा कोई पोन नहीं है, ठीक है ना, जिसकी वजह से जो वो पोन है उसके रास्ते में कोई दिक्कत आए। सो इस पोन को स्टॉप करने के लिए ब्लैक के किंग को बी फाइल में जाने की ज़रूरत पड़ेगी, और मीन टाइम वाइट के किंग को क्या मिलेगा, सम टाइम, मतलब कुछ टाइम मिलेगा, जिसकी वजह से वाइट का किंग जो है वो सिंपली रीच होके, आई मीन यहाँ के जो क्वीन साइड किंग साइड पोन है, ठीक है ना, उसको ग्रेप कर सकता है और बाद में बहुत ही इजीली विन हो सकता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कुछ मूव्स, फॉर एग्जांपल किंग डी फाइव, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों एक रूल है, आउटसाइड पास पोन या फिर पास पोन मस्ट बी पुश्ड। तो यहाँ पे हम सिंपली अपना पोन पुश करेंगे, और यहाँ पे देखिए ब्लैक के पास भी अपना पास पोन है और वो है एफ फाइल पे है, तो वो सेम रूल अगर अप्लाई करता है पास पोन मस्ट बी पुश्ड। तो यहाँ पे उसको पास पोन क्रिएट करने के लिए जो जी पोन है उसके अगेंस्ट फाइट करनी पड़ेगी, और उसके लिए उसको पोन टू जी फाइव खेलना पड़ेगा और वो दोनों आगे बढ़ाते जाने। तो इसलिए पहले हम पोन टू जी फाइव जो है वो स्टॉप करेंगे यहाँ पे, और अब पोन एच सिक्स, अगेन द सेम आइडिया कि वो ये करना चाहते हैं पोन टू जी फाइव, और दोस्तों अब पोन टू एच फाइव, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये हो गया पोन क्रिपलिंग। अब पोन क्रिपलिंग एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि मेजोरिटी को माइनॉरिटी से प्रिवेंट कर रहे हो। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है दोस्तों कि जो ब्लैक की मेजोरिटी है दो पोन, ठीक है ना, अगेंस्ट आपका देखिए एक अकेला पोन एच फाइव पे, वो दोनों पोन को स्टॉप कर रहा है। मतलब यहाँ पे अगर ब्लैक जी फाइव खेलेगा तो आप एन पासन कर लोगे, ठीक है ना। तो दिस इज अ पोन क्रिपलिंग, और ये पोन क्रिपलिंग काफ़ी तरह से हो सकता है। अगर सेम चीज़ में देखिए, अगर ब्लैक के पोजीशन ये है कि ब्लैक का पोन जी सिक्स एंड एच फाइव पे है, जस्ट सेकंड में आपको दिखाता हूँ, जी सिक्स एंड एच फाइव पे ब्लैक का पोन है, और वाइट का पोन अगर पोन टू एच फोर पे है, ठीक है ना, तो फिर भी वो दोनों पोन को ब्लॉक देगा। सो दिस इज पोन क्रिपलिंग, जहाँ पे आप क्या कर रहे हो दोस्तों एक ही पोन से, ठीक है ना, दो पोन को स्टॉप कर रहे हो। और कई बार आप देख रहे हो कि कई ग्रैंड मास्टर जो है वो पोन टू ए फोर ए फाइव जैसी मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कई बार पोन टू एच फोर टू एच फाइव जैसी मूव कर रहे हैं। सो बेसिकली वो क्या करता है, एंड गेम में हेल्पफुल रहता है। सो इस पोजिशन में दोस्तों यहाँ पर जो है वाइट इज टोटली विनिंग, क्योंकि अब जो है ब्लैक के किंग को आगे बढ़ना पड़ेगा, आई मीन पोन स्टॉप करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल वो कुछ और करता है जैसे कि पोन टू एफ फोर, देन हम सिंपली पोन टू बी फाइव करेंगे, और उसको अब उस पोन को कैप्चर करने जाना पड़ेगा, और वो हमें टाइम मिलेगा, और हम क्या करेंगे जो ब्लैक के सारे पोन है, ठीक है ना, उसको कैप्चर कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखिए कि वो हमारा जी टू पोन मारने के लिए आ रहा है, किंग जी सिक्स, और ब्लैक का किंग काफ़ी दूर रह जाएगा, ठीक है ना, और हम बहुत ही ईजिली विन हो जाएंगे, और यहाँ पर इतना काउंटिंग करने की ज़रूरत भी नहीं है। सो ये जो है एंड गेम, वो आपको मिडिल गेम में किस तरह से बेनिफिट देती है, देखिए मिडिल गेम में क्या होता है, नॉर्मली जो पोन स्ट्रक्चर होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ यहाँ पे, ओके, ठीक है ना, जस्ट अ सेकंड, ये देखिए, अब मैं आपको कुछ एक चीज़ें एक्सप्लेन करता हूँ। मिडिल गेम में कई बार पोन स्ट्रक्चर इस तरह का होता है जहाँ पे किसी एक बंदे को एक साइड पोन मेजोरिटी होती है और दूसरे को दूसरी साइड, ठीक है ना, काफ़ी ओपनिंग में ऐसा होता है। तो यहाँ पे देखिए तो जो वाइट है, ठीक है ना, उसके सेंटर में कम पोन होंगे, ठीक है, बट उसके पोन क्वीन साइड ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये हुआ दोस्तों, अगर गेम एंड गेम में जाती है, ठीक है ना, तो वाइट को चांसेस है आउटसाइड पास पोन क्रिएट करने की, और ये उसका एक्चुअली एंड गेम में एडवांटेज होगा। इसीलिए स्टेनिस जो थे, जो हमारे फर्स्ट वर्ल्ड चैंपियन, वो कहते थे कि क्वीन साइड पोन मेजोरिटी वो एक एडवांटेज है,
ठीक है ना, बट अभी मॉडर्न डेज में ऐसा नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे क्या है, दो ही पोन है, तो वहाँ पे माइनॉरिटी अटैक भी जो है ब्लैक लॉन्च कर सकता है। सो मिडिल गेम में ऑफकोर्स यहाँ पे जो ब्लैक है उसकी क्वीन साइड अच्छी पोजीशन रहेगी, बट जैसे जैसे एंड गेम प्रोग्रेस होगी दोस्तों, और अगर वाइट क्वीन साइड एक पोन पास पोन क्रिएट करने में सक्सेसफुल हो गया आउटसाइड पास पोन, तो उसमें जो वाइट है उसको विनिंग पोजिशन मिल सकती है, ठीक है ना। तो अगर आपके आउटसाइड पास पोन है, ठीक है, या आपकी क्वीन साइड मेजोरिटी है, तो आप एक विनिंग प्लान ये भी बना सकते हो दोस्तों कि एक आउटसाइड पास पोन क्रिएट करो और उसके बाद जो पीसीज है वो सारे एक्सचेंज कर दो, या फिर पीसीज भी सारे पहले एक्सचेंज कर दो, ठीक है, और बाद में सिंपली अपनी जो पोन मेजोरिटी है उसकी वजह से आप जीत जाओ, क्योंकि जो ब्लैक का किंग होगा उसको ऑफकोर्स दूर जाना पड़ेगा व्हाइट के पास पोन को स्टॉप करने के लिए, और तकरीबन तब तक व्हाइट का जो किंग है वो दूसरी साइड की पोन जो है उसको कैप्चर कर सकता है, ठीक है ना। और पोन क्रिपलिंग ये है दोस्तों कि जिसमें आप एक पोन से सामने वाले के दो पोन को स्टॉप कर दो। फॉर एग्जांपल ये पोजीशन है, तो यहाँ पे आप देखिए कि जो व्हाइट के दोनों पोन है वो बिकॉज ऑफ ब्लैक के एक पोन से स्टॉप हो गए, और दूसरी साइड हम उसी तरह से व्हाइट से देखेंगे, तो यहाँ पे देखिए व्हाइट का एक पोन जो है दो पोन को स्टॉप कर रहा है। सो दिस इज पोन क्रिपलिंग, ठीक है ना, जिसका आप यूज़ एंड गेम में कर सकते हो, बट पोन क्रिपलिंग के लिए जो ये मूव्स है वो आपको मिडिल गेम में यूजुअली आप मिडिल गेम में करते हो, ठीक है ना, किंग एंड पोन एंड गेम में, क्योंकि ये इस काइंड की पोजीशन जो है वो पहले से ही बोर्ड पे होती है, और तब जाके जो पीसीज वगैरह सब एक्सचेंज करते हैं। सो इन दैट केस वहाँ पे क्या होता है दोस्तों, देखिए पोजीशन कुछ ऐसी है, तो ब्लैक के यहाँ पे दो पोन है और वाइट का यहाँ पे एक पोन है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं किंग साइड जो है वो वाइट के जो मेजोरिटी है, ठीक है ना, वो अभी क्रिपल्ड है, ठीक है, ब्लैक का एक ही पोन दो पोन को स्टॉप कर रही है, और आपके पास यहाँ पे बोर्ड पे कोई पीस है, फॉर एग्जांपल रुक, ठीक है, तो आपका रुक यहाँ पे है, सॉरी ब्लैक का रुक यहाँ पे है और वाइट का रुक जो है वो फॉर एग्जांपल यहाँ पे है, और वाइट का किंग जो है यहाँ पे है और ब्लैक का किंग यहाँ पे, और इस केस में अगर ब्लैक की मूव है तो ब्लैक क्या करेगा, सिंपली जो है रुक एक्सचेंज कर देगा, ठीक है, और इस तरह से वो किंग एंड पोन एंड गेम में चला जाएगा जहाँ पे उसकी जो एंड गेम है वो विनिंग है। और उसी तरह वाइट, अगर वाइट की मूव है तो वाइट क्या करेगा दोस्तों, वो रुक एक्सचेंज इससे दूर रहेगा, ठीक है ना, और वो बोर्ड पे रुक रख के खेलना चाहेगा, क्योंकि जो किंग एंड पोन एंड गेम है, ठीक है ना, उसमें उसकी बेटर पोजिशन नहीं है। सो दोस्तों मुझे आशा है कि ये लेसन से आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, पर्टिकुलरली आउटसाइड पास पोन और पोन क्रिपलिंग, ठीक है ना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, बाय बाय।